चेयरमैन साहब अधिक से अधिक माननीय वीरेंद्र डाड़ा जी के पक्ष में जो यह आपकी सभा हुई है उसके लिए अधिक से अधिक मैं समर्थन की मांग करता हूं। देखिए जो गुरु जी ने बात कही है वह बहुत एक महत्वहीन बात है, क्योंकि ये जो हर मनुष्य हर जाति सम्मान रखती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का वोटर चाहे वो किसी जाति का है वह हर सरकार को वोट देता आया है, और जो ये जाति की मांग है इसके लिए हम आने वाली सरकारों को और खासकर हमारी बहन कुमारी मायावती सरकार बनने वाली है और जिसका प्रतिनिधि जिला गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा का माननीय श्री नरेंद्र भाटी जी करेंगे। हमारा बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, मेरे परिवार के लोग जो सामने बैठे हुए हैं और चेयरमैन साहब, प्रधान जी, संत वीर जी, सोविंदर जी, मैं एक बात कहूँगा, अभी चार दिन पहले सोविंदर जी और पास आए, मैंने जब उससे कहा कि हम अपने छोटे भाई नंदन भाटी के साथ, मुझे उसकी अपार खुशी हुई, मैंने ये कहा भाई अब तुम बहुत मजबूत स्थिति में हो, अपने भाई को चुनाव लड़ा रहे हो, इसके बाद में अब जो एरिया समाज ने आज सम्मान दिया है इसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अपनी वोट की ताकत से नरेंद्र भाटी को हाथी चुनाव चिन्ह पे निशान लगाकर मजबूत करते हो तो ये समस्या मैं आपको लखनऊ ले जाके आपके हल करवाने का काम करूंगा। अहेरिया समाज बहुत दुखी है क्योंकि हमारी तो समाज में जाति प्रमाण पत्र का आरक्षण को लेकर सन 50 से पहले एस सी के दूसरे नंबर पर आते हैं, उस दौरान चार विधायक निकाल दी है, मेरी आवाज़ सुनी जाए और मेरे पत्रकार भाइयों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए। मेरा अहेरिया समाज लखनऊ के अंदर धरने पे बैठा हुआ है, कोई भी उनके साथ नहीं लग रहा है, उनके साथ लगा जाए, उन भाइयों को मेरी आवाज से संपर्क कराया जाए और आपसे अनुरोध है उनका सहयोग करें ताकि मेरा ये समाज सभी के तरह उज्जवल हो और उसे भी सभी कुछ मिले जो अन्य जातियों को मिलता है। जो आपकी पीड़ा आज चेयरमैन साहब के सामने आई है ये वास्तव में एक वास्तविक आपकी पीड़ा है, साजिश के तहत जो कुछ पिछली सरकारों ने, ये सरकार में कोई भी रहा हो जो आपके साथ नहीं लगा, हम वादा देते करते हैं आपसे कि चेयरमैन साहब को यदि आप भारी मतों से विधानसभा भेज दोगे तो सबसे पहले विधायक विधानसभा में सवाल उठाएंगे, वहाँ भी बुरा नहीं होगा तो आपके लिए धरने में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नाराज नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने हमेशा, इनके दरवाजे कोई चला गया हो, किसी जाति का चला गया हो, इन्होंने कभी जाति का भेदभाव नहीं किया है। नौजवान साथियों, ये आपको तय करना है आपको वोट किसको देनी है, आप ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच में रहेगा। अभी अभी एक पंचायती ऐसे आए हैं जो मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भगोड़ा है और मुझे भगोड़ा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे चुनाव लड़ते हैं, वो हमेशा ऐसे प्रत्याशी कमजोर करते हैं, हमारे समाज को कमजोर करते हैं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि कम बोला करो, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के आज भी विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और ढोंग करके आपके बीच में नौजवान साथियों एक हो जाओ। एक आज जिस समाज की इतनी उपेक्षा हो कि उसे जाति का दर्जा ना मिले, मुझे ताज्जुब होता है ऐसी सरकार पे कि
जो गरीब और कमजोर की बात कहने वाली सरकार और करती क्या है कि एक अहेड़ या जाति को दर्जा ना दे के कागजों में, इससे महसूस होता है कि ये आपके साथ अनदेखी का व्यवहार कर रही है। आपको अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र में लड़ने के लिए सबको अधिकार है, और लोकतंत्र में होता क्या है कि हम सब लोग चुन के जो बनाते हैं प्रतिनिधि, इसलिए बनाते हैं कि जहाँ जहाँ हमको नुकसान हो रहा है, जहाँ जहाँ हमें साधन नहीं मिल रहे, क्योंकि राजनीति क्या, राजनीति एक विकास की कुंजी है, और उस विकास की कुंजी में ही आप जनप्रतिनिधि एमएलए को वोट देकर बनाते हो, और इस उद्देश्य से बनाते हो कि आने वाले टाइम में ये विधायक आपके लिए काम करेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा, उनका निवारण कराएगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पंचायत एक प्रदेश में होती है, एक देश में होती है, और आपके प्रदेश के अंदर आपके जनप्रतिनिधि जब वो पंचायत होती है जिसको विधानसभा बोलते हैं, और विधानसभा में जाके वो समस्या उठाता है कि मेरे कस्बे बिलासपुर के अंदर एक अहेड़िया समाज है, पूरे प्रदेश में उसकी इतनी संख्या है, उस जाति को जाति का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि उसको जाति का दर्जा दिया जाए, नहीं वरना लोकतंत्र में ये एक जाति के साथ उपेक्षा होगी। इसलिए तो विधायक बनाए जाते हैं। मुझे आप लोग बताओ, पिछले समय आपने वोट देकर उसको चुना, आपको वोट देकर उसने आपने उनको चुना, और इस उम्मीद के साथ चुना, आपने इस उम्मीद के साथ चुना कि ये नया प्रत्याशी है, ये नई सरकार है, और ये आपको आपको जाति का दर्जा दिलाए, आपको जाति का दर्जा दिलाने का काम करेगा, आपको आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आज मैं एक आश्वासन आपको और देता हूँ, आपके जिले के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी बनी हुई है, बराबर में अलीगढ़ है, बराबर में बुलंदशहर है, इस जिले के अंदर कोई बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए उनके लिए हम कह नहीं सकते, लेकिन आपका जेवर विधानसभा, आपका ग्रेटर नोएडा आपसे मात्र 5 किलोमीटर पर ओप्पो वीवो हायर जैसी कंपनी बन गई, और रोजगार पाने के लिए 250 किलोमीटर दूर के बच्चे उन कंपनियों में नौकरी करते हैं, और आपको ये कह के भगा दिया जाता है कि लोकल है, आपका ये जुर्म है, आपका ये जुर्म है, आपका ये जुर्म है कि आपने यहाँ पे जन्म लिया है, आपका ये जुर्म है कि आप ही समझ डरिए आने तो हमें देख लूंगा, आपका ये जुर्म है कि आपने यहाँ जन्म लिया है, आप नजदीक है, इस जिले के रहने वाले हैं, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपसे दावा करता हूँ, जाति की लड़ाई तो आप जिसको चुनोगे एमएलए बनाओगे वो आपकी लड़ेगा, ये वादा करता हूँ आपसे, लेकिन आपके रोजगार के लिए और 250 किलोमीटर का जो बोर्ड लग रहा है कंपनियों पे कि लोकल नहीं लिए जाएंगे, 250 किलोमीटर दूर के लिए जाएंगे, उनको हटाने का काम हम करेंगे।